मेरे ख्याल से साड़ी माँ बहनों की एक ऐसी ड्रेस है जो किसी भी अवसर पर पहना जा सकती है, चाहे वो फेस्टिवल हो या मैरिज सेरेमनी या फिर किसी भी तरह की गेट टुगेदर, क्योंकि साड़ी किसी भी माहौल पे अपना रंग बिखरने की क्षमता रखती है। आपके क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जर्नी एक्सप्रेस में मैं देबाशीष आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके पहले बिष्णुपुर की जो वीडियो आपके सामने लाए थे उसमें मैं कहा था कि एक और वीडियो बिष्णुपुर की लाएंगे अलग से, जो बिष्णुपुर की एक प्रसिद्ध साड़ी की कारीगरी को दर्शाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे ये साड़ी कैसे और कहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, ये बालूचोरी साड़ी जो बिष्णुपुर का विख्यात साड़ी मेकिंग सेंटर है, मतलब साड़ी मिलता है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। ভাই তোমাদের শাড়ি তৈরি করতে কতদিন লাগে? একটা শাড়ি তৈরি করতে 5 থেকে 6 দিন। এটাকে বালুচুরি কেন বলে? এটা স্বর্ণচুরি। আচ্ছা, দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? আর এটা
এই শাড়িটা যেটা করছো এটা মার্কেটে কিরকম প্রাইস হবে? কতদিনে শেষ হবে তাও? মানে ডিপেন্ড করে একটা শাড়ি ওই 5-6 দিনের মধ্যেই হয়। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बिष्णुपुर की सफ़र समाप्त होती है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एक और नए वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए जर्नी एक्सप्रेस।